आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आज उत्तर प्रदेश में दो जगह उपचुनाव चल रहा है, दो सीटों पर, और दोनों सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में सभी को इंतजार था कि साइकिल दिल्ली जाएगी या फिर से एक बार कमल खिलेगा, लेकिन जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं वो ये निकल करके सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे है। अखिलेश यादव का गढ़, आजम खां का गढ़, दोनों जगहों पर उपचुनाव था। रामपुर और आजमगढ़ में 23 जून को मतदान हुआ था। आजमगढ़ में मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो गया था। अब रामपुर का राजा कौन बनेगा और क्या आजम के गढ़ में बाजी पलट जाएगी, ये तो थोड़े वक्त में ही क्लियर हो जाएगा। हालांकि लोगों को काफी इंतजार था इस चुनाव के मतगणना का कि आखिर कौन जीतता है। जिस तरह तमाम बड़े दावे और वादे दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है, जहां एक तरफ पूरी तरह से भरोसा था समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी ही जीत दर्ज करेगी, क्योंकि दोनों सीटों पर खासा पकड़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का। दूसरी तरफ अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है, लेकिन एक उपचुनाव के लिए भी मुख्यमंत्री रामपुर पहुंचे। रामपुर जाकर उन्होंने भरोसा दिलाया वहां के लोगों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं तो वहां पर कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ वहीं अगर बात किया जाए आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ से बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था, गुड्डू जमाली को। हालांकि वो तीसरे स्थान पर है, सबसे आगे दिनेश लाल यादव निरा हुआ है, दूसरे स्थान पर धर्मेंद्र यादव है, तीसरे स्थान पर गुड्डू जमाली है। वहीं अगर बात किया जाए इन सारे आंकड़ों की, तो सारे आंकड़ों में सबसे ज्यादा उम्मीद जो थी वो दोनों सीटों पर समाजवादी को ही थी, क्योंकि समाजवादी का गढ़ कहा जाता है दोनों सीट। उसके बावजूद भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी, थोड़ी देर में ही जीत और हार क्लियर हो जाएगा। हालांकि बीएल संतोष के बयान के बाद लोग तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि बीएल संतोष को पहले से ही कैसे पता कितने वोटों से समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसके पहले जब धर्मेंद्र यादव काउंटिंग स्थल पर उन्हें जाने से रोका गया था, तो काउंटिंग स्थल पर भी उन्हें जाने से रोका गया, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि अंदर गड़बड़ी की जा रही है। हालांकि गड़बड़ी और ऐसे आरोप तो कई बार लगते रहते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर, हमारे साथ पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, नीरज शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजी हसन समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज शर्मा जी, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए, किस तरह से देखते हैं आप, किस तरह की जीत देखते हैं आप दोनों सीटों पर? जो विकास कार्य है अगर पिछले 5 साल में जो विकास कार्य किए हम लोगों ने और आज की तारीख में कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के माहौल को आप देखो, उत्तर प्रदेश को इन विपक्षी पार्टियों ने किस तरह के आग में झोंकने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, रामपुर आजमगढ़ की जनता भी समझ चुकी है, और हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और पार्टी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि पर, माननीय मोदी जी की छवि पर चुनाव लड़ा गया है और विकास पर चुनाव लड़ा गया है, और हमारी जीत निश्चित है। और आपको मैं बता दूं, गड़बड़ी की अगर ये बात कर रहे हैं विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, उन्होंने गड़बड़ी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और बड़े शांति से चुनाव हुआ है। लेकिन नीरज शर्मा जी, बीएल संतोष के बयान के बाद सबका यही कहना है कि बीएल संतोष को आखिर कैसे पता कि कितने वोटों से जीत रहा है प्रत्याशी? देखो, प्रत्याशी को अनुभव हो जाता है, जो चुनाव लड़ता है उसको पता चल जाता है मेरी क्या स्थिति है। आप देख लीजिए रामपुर में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी थे, चुनाव से पहले ही रोना रोने लग गए, गड़बड़ी हो जाएगी, जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन रोना रोने लग गए, अब मतगणना हो रही है रोना रो रहे हैं, ये रोना तो शुरू से ही रो रहे हैं ना, इनको अपनी हार निश्चित दिख गई। और जो प्रत्याशी जीतता है उसको भी मालूम पड़ जाता है मैं कितनी वोटों से जीत रहा हूँ, मुझको वोट कितनी कहाँ से मिलेगी। जी बिल्कुल, रजी हसन जी, दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़, दोनों सीट, और दोनों सीट से समाजवादी पार्टी हारती हुई नजर आ रही है, क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो दो जिलों में चुनाव हो रहे हैं आजमगढ़ और रामपुर में, सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। जीत से पहले समाजवादी पार्टी मूल मुद्दों को लेकर के आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव में गई और पूरी निष्ठा ईमानदारी से जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया है। पर आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में नहीं रहती है,
भारतीय जनता पार्टी हमेशा धोखा देने में उत्तर प्रदेश की जनता को, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ईवीएम के सहारे अपनी जीत दर्ज उत्तर प्रदेश में और विभिन्न जिलों में अपनी जीत दर्ज कराना चाहती है। इनके पास कोई मामले नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे के मामले में ये फेल है, सुरक्षा के मामले में ये फेल है, और जो है नौकरियों के मामले में ये फेल है, और अपनी फेलता के आधार पर ईवीएम को लेकर हमेशा चुनाव आते हैं, जो चुनाव लड़ने जाते हैं, और ईवीएम कहीं ना कहीं इनका सहारा बन चुकी है। और अजय हसन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दोनों सीटों पर मतगणना जारी है, वही इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी रामपुर से लगातार जीत की ओर अग्रसर है। अभी देखिए परिणाम नहीं आए, देखिए परिणाम पूरे आए, बस थोड़ी देर में ही रजी हसन जी परिणाम आ जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि लगातार जिस तरह से आप लोग ईवीएम की गड़बड़ियां हमेशा गिनाते हैं, विधानसभा में जितनी सीटें जीती है समाजवादी पार्टी, वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई थी? बिल्कुल, हमारे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जो चुनाव प्रत्याशी है, स्ट्रॉन्ग रूम में चला जाता है, पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर प्रतिबंध क्यों? और वहां पर आपने इतनी सुरक्षा बल लगा दी, चलिए बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये सौतेला व्यवहार क्यों? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को रोका जा सकता था, खाली समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हार का सामना कर रही है आजमगढ़ में और रामपुर में, इसीलिए है हताश है, और इसीलिए ये लोग किसी ना किसी तरह से इस सीटों पर जाते हैं, और अपना जो भी है इनकी मानसिकता हम नहीं जान सकते, क्योंकि मानसिकता हम नहीं पढ़ सकते, मगर कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर हम इस पे आरोप लगाएंगे और लगाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा आज नहीं, उत्तर प्रदेश के पिछला चुनाव अभी बीत चुका, पिछली सरकार में जनता को धोखे से इन लोगों ने जनता के मतों का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल की है, पर कहीं ना कहीं मुझे इस पर भी ये डाउटफुल है, पर मतगणना अभी पूरी नहीं हुई है, आगे देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी बहुमत से जीत कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी हार का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी जुड़े। पंकज जी, जिस तरह से लगातार अब चुनाव में ईवीएम पर ब्लेम डाल देना, मुद्दे नहीं उठाए गए, तमाम तरह के जो ब्लेम डाल दिए जाते हैं, चुनाव में इस तरह की बातें हमेशा क्यों सामने आ जाती हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जब जो भी पार्टी हारने लगती है, खास तौर से जो भी इस तरह के दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जब वो हारने लगते हैं तो इस तरह का ठीकरा फोड़ने लगते हैं। अब सवाल ये, अगर ईवीएम की गड़बड़ी होती तो 123 सीटें कहां से आ गई? ये आप बताइए, 123 सीटें कहां से आ गई? अखिलेश यादव हार गए होते, आप ये बताइए अखिलेश यादव हार गए होते, इस तरह की बातें ना किया करिए, बेसलेस बातें मत किया करिए, अगर ऐसा होता तो अखिलेश यादव चुनाव हार गए होते, कौन होते जनता के मतों का और जनता के जनादेश को आप प्रमाणित करेंगे? कार्य के आधार पे और योगी आदित्यनाथ के क्रम के आधार पर चैनल पर बैठ करके आप प्रमाणित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ कर रहे हैं, आपने देखा नहीं? बेरोजगारों के साथ नहीं है, पोलिंग हुई, क्या बात कर रहे हैं?
करोड़ की संपत्ति, 75 करोड़ इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। बेरोजगारी की बात आप मत करें, बेरोजगारी की बात आप मत करें, ना बेरोजगारी की बात आप तो करें ना। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पैनलिस्ट में बैठ करके आप बेरोजगारी की बात मत करें। नौजवान अखिलेश यादव के 12 से 17 के कार्यकाल में कौन से रोजगार सबको मिल गए, कौन से रोजगार मिल गए, कितने लोगों को रोजगार मिल गए थे, क्या बात आप कर रहे हैं, कितने लोग रोजगार मिल गए थे। आप बेरोजगारी की बात मत करें, विश्लेषण विश्लेषण होता है। 16 जिले तहत में तो कायदे से 16 जिले जल रहे हैं, इस तरह के विश्लेषण मत किया। 16 जिले 16 ट्रेनें, 7200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार है। बेरोजगारी की बात आप ना करें। हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार में, हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार में 35,000 पुलिस कर्मचारी होता था, 1,63,000 करोड़ खाली जो है पेंशन में जाता है और 2,25,00,000 करोड़ रुपया खाली तनख्वाह में जाता है, तो 4,00,000 करोड़ रुपए तो उसमें चले जाते हैं, 20% में रक्षा बजट आपका है। तो सरकार इस तरह का कृत्य नहीं करेगी, और जिस तरह का नहीं करेगी तो चल चुका। सरकार ये कहा कर रही है अग्निवीरों को पूरा सम्मान दिया जा रहा है, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, उसमें से 25% लोगों को सेना में आरक्षण हो रहा है, तो इस तरह की बातें मत करिए। और अगर चाइना की बात करिए, ब्रिटेन की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, वहां भी किसी तरह का सिस्टम लागू है, वो वहां की इकोनॉमी हमसे बहुत आगे बढ़ती है, हमारे घर से कोई सेना में भर्ती हो रहा है, हमारा युवा भर्ती हो रहा है, खाली हर चीज को पेट पूरी करना और हर चीज युवा के साथ। आप दोनों लोग एक एक करके अपनी बातें रखिए। रजी हसन जी, रजी हसन जी देखिए, ब्लेम किसी को भी अब आप करिए, लेकिन पीछे तो चल रही है समाजवादी पार्टी। संगत बात करिए, नीरज शर्मा जी जिस तरह से लगातार, रजी हसन जी क्या कह रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आज नौजवान रोडों पर आ रहा, शैक्षणिक बेरोजगारी के कारण आज ऐसा हो रहा है, जो लोग उस समय के बीटेक पास आउट है उनको कुछ नहीं आता, उस तरह की स्थिति है। भाई साहब ये जान लीजिए, लोगों ने लोग यहाँ वैकेंसी निकालते हैं प्राइवेट कंपनियां, वहाँ पर 5,000 में लोगों को करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि आपने शिक्षा के स्तर में, आपने शिक्षा के स्तर में गिरावट लाया, इसलिए ऐसा हो रहा है। शिक्षा का स्तर आपने नहीं उठाया, आपने लखनऊ में 60 कॉलेज खोल दिए, आप दोनों लोगों से शादी चाहोगे, स्कूल से सेना की तैयारी करके निकले आप, उनका आप बताइए आपके घर से कौन सेना में भर्ती है, बताइए। हमारे घर में हमारे हमारे खुद चाचा इस समय मेजर जनरल है, क्या बात आप कर रहे हैं कि नहीं सेना में कौन भर्ती है, मेरे चाचा खुद सेना में मेजर जनरल, मेरे सगे साले कैप्टन है, मेरे सगे साले कैप्टन है, आपका पर्सनल बात है, आपके घर से कौन सेना में, बताइए, आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, सेना में भर्ती है, मेरे तो सगे चाचा यहाँ पर मेजर जनरल है कि नहीं, और मेजर जनरल ये पता नहीं बन जाता है, मेरे सारे जो है कैप्टन, क्या बात आप कर रहे हैं, इस तरह की बात आप कर रहे हैं, आग्रह करना चाहूंगी पर्सनल मत होइए। देखिए चुनाव आते जाते रहेंगे, इंसान को हमेशा अपनी इंसानियत नहीं खोनी चाहिए, चुनावें होती रहती हैं, हर महीने हिंदुस्तान में कोई ना कोई चुनाव होता है। नीरज शर्मा जी, जिस तरह से इस चुनाव में जब धर्मेंद्र यादव को अंदर काउंटिंग स्थल पर नहीं जाने दिया, ब्लेम ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि गड़बड़ी की गई है, क्या जवाब देंगे आप उस पर, क्या कहना आपका इस पे? मैं आपको एक बात बता दूं, गड़बड़ी कहीं कुछ नहीं हो रही है, और जिनका तो ईवीएम का होना पूछे, अगर इनसे पूछा जाएगा ईवीएम गड़बड़ी की, तो आपकी 125 से 123 सीट कहाँ से आ गई, चाहते तो हम आपको जीरो पे ले आते, और देखो मायावती बसपा की बसपा पार्टी है, ऐसी 100 सीटें भी जाती, ये तो सब देखो देश की जनता ने नीरज शर्मा जी जनादेश दिया, विपक्ष के रूप में मजबूत, विकास के रूप में, क्योंकि आप जैसे गरीबी लोगों का सामना अगर कोई कर सकता तो सिर्फ उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी। आप क्या बात करेंगे, आप रोजगार दे नहीं सकते, आप किसानों को सम्मान दे नहीं सकते, आप महिलाओं को सुरक्षा दे नहीं सकते, और उसके बाद आप देशभक्ति की और उसके बाद खराब ईवीएम की दुहाई देकर आप जीत लेते हैं, वरना आप उत्तर प्रदेश में अगर ईमानदारी से आप चुनाव लड़ने युवाओं के लिए हम योजनाएं ला रहे हैं। अब देखो अग्निवीर योजना की योजना लाए, अग्निवीर लाए, युवाओं को पत्थर पकड़ा दिया हाथ में अग्निवीर दे करके, युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं आप जो है अग्निवीर लाकर,
आप बताइए, आपके घर से मैंने अभी वरिष्ठ पत्रकार जी से पूछा, पंकज रस्तोगी जी से, कि क्या आप उनके परिवार में कोई सेना में भर्ती है, तो उन्होंने बताया कि मेरे चाचा जी खुद कर्नल है। मैंने उनसे एक और सवाल पूछा कि ये बता दीजिए, नहीं नहीं सुन लीजिए पहले, नीरज शर्मा जी पूछ सुन लीजिए, नीरज शर्मा जी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने उनसे पूछा कि क्या परमानेंट है। रामपुर से घनश्याम लोधी जीत चुके हैं, बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर रामपुर में सपा प्रत्याशी असीम रजा चुनाव हार चुके हैं। यूपी उपचुनाव से बड़ी खबर, आजम खां के गढ़ में समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। रजी हसन जी, क्या कहेंगे आप इस पर, किस तरह जनता ने हमको जिताने के लिए भेजा था और हम लोग जीत कर आए, मगर कहीं ना कहीं ईवीएम के बहुत मजबूती से और ईवीएम की मदद से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मुझे तो ये लगता है कि सरासर जनता का अपमान है, सरासर जनता के जनादेश का अपमान है। क्यों ईवीएम मशीन को सुरक्षित और स्ट्रांग रूम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जाते हैं वहां पर और अपना जो उसकी देख रेख करते हैं, हमारे प्रत्याशी को क्यों नहीं जाने दिया गया। नीरज शर्मा जी, जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में, मैं जीत की जनता को बधाई देना चाहता हूं, जनता के जनादेश को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम की मदद से जिताने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, और जनता ने तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम किया है और वो सच्चाई है, इसको कोई भूल नहीं सकता। जनादेश जनता का मानिए, ईवीएम का जनादेश वैसे तो माना जाएगा क्योंकि जो कहते नहीं कि जो जीता वही सिकंदर होता है, तो जनता का सिकंदर तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है और कहीं ना कहीं ईवीएम का प्रत्याशी, ईवीएम का सिकंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। बिल्कुल, नीरज शर्मा जी, जीत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है रामपुर में, ये हमारी जनता की जीत है, हमारे विकास की जीत है, हमारी की बात मत करिए नीरज शर्मा जी, विकास की बात आप तो करिए ही ना, एक विकास कार्य ऐसा बता दीजिए जो जमीन पे किया और डायरेक्ट जनता का लाभ मिल रहा हो, विकास के नाम पर तो आपको नहीं मिलता, ईवीएम के नाम पर हाँ भले जीत सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में, उनको अपना पक्ष तो रखने दे, जीत की खुशी तो उनको जाहिर करने दे आप पहले। जी नीरज शर्मा जी, जिस तरह से आजम खां के किले में सेंध मारने में कामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्या ये सारे बड़े जो नेता हैं उनकी मेहनत है, क्योंकि एक सीट के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रामपुर पहुंचे हुए थे। देखो मुख्यमंत्री जी का दौरा है वो तो भाई हम अपनी पार्टी का प्रचार तो करेंगे, इसमें कोई दौरा नहीं, आजम खां साहब ने रामपुर की जनता को छला है, गरीबों को सताया है, जमीनों को जितने यूनिवर्सिटी बनाई जनता को छला है, जितने मेडिकल कॉलेज बनाए उसने जनता को छला है, और जिसने गाड़ी चलाई खाल गाड़ी चलाई उसने जनता का भला किया है, एक साल किसान जमीन पर बैठा रहा अपमानित हुआ तो होता रहा, केस का अन्नदाता उसको जनता को आपने बड़ा सौगात दी है, आपने जो है रजी हसन जी ये कमियां गिनाने में कहां पीछे रह गए कि आजम खां अपने गढ़ में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, कहां कमी देखते हैं आप अपनी, आखिर कमियां गिराने में आप कहां पीछे रह गए, कहां विपक्ष को बता नहीं पाए, कहां विपक्ष की कमियां नहीं गिरा पाए। मैं शीतला जी आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता से एक बार कहना चाहता हूं जी। मामला ये है कि जनता ने पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को अपना जनादेश और जनसंदेश दिया, पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी के कारण और सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है इस पर सोचने की विषय, इस पर सोचने का विषय, इससे युवाओं का नौजवानों का भविष्य गड़बड़ा है। रजी हसन जी, आपने इल्जाम लगाया हमने सुना, तो 2022 विधानसभा चुनाव में 100 के ऊपर सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी, उन 100 सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं कर पाई थी क्या भारतीय जनता पार्टी? आपको मैंने पहले भी बताया, पांच राज्यों में चुनाव था, चार राज्यों की जनता ने, वाराणसी में ईवीएम पकड़ी गई, बनारस में ईवीएम पकड़ी गई, प्रयागराज में ईवीएम पकड़ी गई, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पूर्वांचल जिले में
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह ईवीएम पकड़ी गई और ईवीएम का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और ये दो सीटें में जो जिसमें एक सीट पे जीत दर्ज करी है, इसमें कहीं ना कहीं जनता का जनादेश नहीं शामिल है। जनता को अपमानित करके ईवीएम की मदद से जीत हासिल करने का काम किया है। और विकास क्या करेंगे नीरज शर्मा जी, एक विकास कार बता दें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जिसने जमीन पर इन्होंने काम किया हो और डायरेक्ट उसका लाभ मिला हो। बताइए, इन्होंने जनधन योजना चलवाई, जनधन योजना में आपने खाते खुलवा दिए, लोगों से पैसा वसूल लिया, मगर 15 लाख पहुंचाए नहीं पहुंचाए। उज्ज्वला योजना के उज्ज्वला योजना के माध्यम से जनधन योजना को लेकर आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी। जनधन योजना का कार्यक्रम आपने चलाया, बैंक में अकाउंट खुलवाए, मगर बताइए 15 लाख पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए। उसके बाद आपने उज्ज्वला योजना चलाई, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे तो दिया पर गैस भरवाने का आमदनी छीन ली जनता से। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हम साल में देने का वादा किया था, 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार कहाँ है बता दें। जनता ने पूरी ईमानदारी से, रामपुर की जनता को, मैं सम्मानित जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, उसने उत्तर प्रदेश के जनता ने समाजवादी पार्टी को अपना जन संदेश दिया और जनादेश दिया, मगर कहीं ना कहीं ईवीएम की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने धोखेधड़ी से जनता का अपमानित करके जीत हासिल की। नीरज शर्मा जी, जिस तरह से तमाम तरह के इल्जाम लग रहे हैं जनधन योजना को लेकर कि खाते खुलवाए गए लेकिन खातों में पैसे नहीं गए, किस क्या जवाब देंगे आप इसका? एक काम शीतला जी बता दें, उत्तर प्रदेश में जिसे हसन जी उन्हें जवाब तो देने दें, आप उनको जवाब दें जी, लेकर सड़क तक हम लोग समाजवादी लोग जवाब मांगेंगे। दोनों सीट हम जीत रहे हैं, एक सीट हम जीत चुके हैं, विकास की जीत हो रही है और इनके कहने से कहीं कुछ नहीं होगा। जनता इनकी बातों में काबे में नहीं आ सकती, जनता इनको जवाब दे रही है, जनता जनार्दन हमारे साथ है, इनको बकने दीजिए जो बक रहे हैं और ये आरोप लगाना लगाने दीजिए, जनता हमारे साथ है, कोई भी चुनाव हो हम सभी चुनाव जीतेंगे। जी बिल्कुल, पंकज रस्तोगी जी, रामपुर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, किस तरह से देखते हैं और कहां कमी देखते हैं आप समाजवादी पार्टी की? देखिए, आदमी को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, किसी भी दल या किसी भी व्यक्ति को, अपने आबा मंडल को हर समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जीत रहा हूँ। जिस तरह से अभी 2022 का लोकसभा चुनाव यह हुआ, उसमें अखिलेश यादव जी शुरू से ही अपने को मुख्यमंत्री मान बैठे थे और जिस तरह से सभाओं में वो जाते थे और ये सोचते थे कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, तो सवाल ये है कि जनमानस की भीड़ और इस तरह के देखने के बाद तो इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। आप ये भी मत भूलें, अरे भाई तो पूर्व मुख्यमंत्री है तो आप क्या बता सकते हैं। लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई रामपुर में घनश्याम लोधी चुनाव जीत चुके हैं, जिस तरह से बड़ी कड़ी टक्कर थी रामपुर सीट पर भी गढ़ है आजम खां का। लोकसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, उपचुनाव घनश्याम लोधी जीत चुके हैं। आपको बता दें कि घनश्याम लोधी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रामपुर पहुंचे थे, उन्होंने रामपुर की जनता से अपील की थी कि घनश्याम लोधी को जिताए। उनकी जीत के बाद आपको एहसास होगा कि आपने कोई प्रत्याशी चुन के भेजा है। इसी बीच आजम खां के किला में सेंध मारने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही, जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में। हेलो, रामपुर में सपा प्रत्याशी असीम रजा चुनाव हार चुके हैं, करीबी है ये आजम खां के। रजी हसन जी, तमाम तरह के इल्जाम आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बस देखिए, ईवीएम तमाम तरह की कमियां गिनाना अलग की बात है, कमी कहां रह गई? एक मिनट जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात करना चाहूंगा, आप मुझे बोल लेने दीजिए भाई। देखिए, सीधी सी बात, आप जब बोल रहे हो तो मैं चुप रहता हूं, शांत रहता हूं। देखिए, आजम खां जी ने वहां ये सोच रखा था कि वहां हमारा गढ़ है और हम जो है वहां पे हमारे परिवार के लोग और हम ही लोग जीतते रहेंगे और कोई ऐसा नहीं है कि कोई वहां से जीतेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में मोदी सरकार की नीतियां और योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत और सुशासन, उसका नतीजा है कि जनमानस ने नेतृत्व परिवर्तन किया और योगी जी की मेहनत का नतीजा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लड़ाया है। ये सीधी बात समझ लीजिए आप, 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने का श्रेय माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है, जिन्होंने सारे तिलिस्म तोड़ दिए, जो लोग सारे आकलन कर रहे थे सारे लोगों के आकलन को तोड़ते हुए उन्होंने पुनः सत्ता हासिल की, एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, अभी जो अभी जनधन खातों की बात हो रही थी,
पूरे भारत में 33 करोड़ जनधन खाते, सुन लीजिए, पूरे भारत में 33 करोड़ जनधन खाते खुले और उन खातों में सरकार ने समय समय पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिना किसी का भेदभाव किए 500 रुपए महीने के हिसाब से और तमाम करोड़ों रुपए जनमानस को दिए, उनके खातों में दिए, सुन लीजिए। और रहा सवाल जो आप 15 लाख की बात कर रहे हैं, 15 लाख रुपए अगर विदेशों से धन आ भी जाए तो जनता को देने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार को उसको विकास में लगाना चाहिए। अगर जनता को आप देंगे तो जनता अकर्मण हो जाएगी। आज आप देख लीजिए दिल्ली का क्या हाल हो रहा है, देख लीजिए अब क्या हो रहा है, सीधी सी बात। तो सवाल ये है कि लोगों का कर्मण मन बनाइए, सबको कार्यक्षेत्र में बनाइए, जो जिस लायक हो उसको पैसा दिया जाए, जो गरीब वर्ग है जो नहीं ले सकता उसको पैसा दिया जाए। सबके साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। पंकज जी बताएं, बताएं मेडिकल कॉलेज कब से खुल रहे हैं? मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 62 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और 10,000 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। 92,000 सीटें हैं, 92,228 सीटें उत्तर प्रदेश में, 92,228 सीटें हैं। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कब से शुरू करा रहे हैं? सीधी सी बात है, जब उसकी पूरी तैयारी हो गई है और इस साल 2022 में 62 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में रन करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर जिलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, प्लांट लग चुके हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्था आपको यकीन? अरे भाई, तो ये चीज आपकी सरकार भी तो कर सकती थी, सारा खाली बट ठीकरा, सब कामों का ठीकरा बस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। आपकी सरकारों में नहीं, आपकी सरकारों में कोई उस तरह का वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह की सरकार रही है या अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की सरकार, कोई घोटाले आप उजागर कर दिए, चाहे राजनाथ सिंह की मुख्यमंत्री काल की बात कर लीजिए, चाहे रामकृष्ण विकास गुप्ता की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का दिया और 1,25,000 पुलिस की भर्ती करी, सेनाओं में हम लोगों ने भर्ती करी। ये चीज आपके ये कहने से काम नहीं चलेगा, ये चीज नहीं है। अगर आपने ऐसा किया होता तो आज जनमानस आपके साथ होता, ऐसा नहीं। जनता हमारे कहने से काम नहीं चलेगा। रामपुर में आदित्यनाथ समर्थन दिया, जनता ने रामपुर प्रवक्ता जबरदस्ती, देखिए सीधी सी बात, राजीव हसन जी समझ लीजिए, ये हर हर आदमी का विश्लेषण होता है, मेरा विश्लेषण ये कह रहा है, तो ये आप कहने से नहीं आपका काम चलेगा कि नहीं, आप जो कहिए वो माना जाएगा। सीधी सी बात, आपकी सरकारों ने अगर शैक्षणिक बेरोजगार पैदा किए उसी का नतीजा आज आप लोग झेल रहे, सीधी सी बात समझ लीजिए। और दूसरी चीज, आप बताइए ना, 15 लाख किसके पास गए? भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख देने का वादा किया था। 15 लाख सुन लीजिए, मोदी जी ने ये सुन लीजिए, मोदी जी ने यह कहा था कि अगर विदेश से पूरा पैसा आ जाए स्विस बैंक से तो दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं उसका घुर विरोधी हूँ, सरकार का अगर पैसा आ भी जाए तो किसी जनमानस को 15 लाख रुपए क्या 5 लाख रुपए नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्यों? उसका नतीजा क्या है सुन लीजिए, उसका नतीजा क्या है कि आदमी अकर्मण हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। सरकार को उसको अपने विकास में लगाना चाहिए और जो जरूरतमंद है मेडिकल कॉलेज खोले, तमाम संसाधन बढ़ाए। कमियां गिरा रजी हसन जी देखिए, इस तरह से कमियां गिराने से तो काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है, विपक्ष बहुत अहम रोल निभाता है सत्ता पक्ष में, लेकिन जिस तरह से आजम खां के गढ़ में, देखिए ईवीएम की बात हटा दीजिए, हार और जीत, अगर बात ईवीएम खराब की होती तो 5 राज्यों में चुनाव का शांत हो जाए, हम इनकी आवाज में जब क्लियर नहीं आ रही है, पहले तो बिल्कुल आप मेरी बात सुने, पंकज रस्तोगी जी से कहिए शांत रहे थोड़ा सा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ना थोड़ा सा। देखिए, अगर 5 राज्यों में चुनाव था, 4 राज्यों की जनता ने मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, पंजाब में चुनाव नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी, इसी तरह जो दो अहम सीटें थे, मेरी रजी हसन जी मुझे तो बोलने दे, भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच करके सत्ता का दुरुपयोग किया और जनता के जनादेश का अपना अपमान किया है। आप पहले आज जो उपचुनाव की 2 सीटों पे हम उस पे पहले बात कर ले, कहां फेल रहे आजम खान साहब कि उनके गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत ली, बेहद प्यार करती है उनसे रामपुर की जनता, कहां कमी देखते हैं आप? जेल में रहते वो विधानसभा जीते, लेकिन जेल के बाहर आकर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के गढ़ से चुनाव जीत गई, कहां कमी देखते हैं आप इसको? कमियां गिनाने के बजाय आप अपनी कमी कहां देखते हैं?
नहीं हम तो जानते थे कि उत्तर प्रदेश की जनता का और रामपुर की जनता का मैं असम्मानित जनता का एकदम श्रद्धा पूर्वक सम्मान करता हूँ, और जिस तरह के जनादेश को जनता ने दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। पर कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि चुनाव हमेशा ईवीएम से होता है, चुनाव हमेशा ईवीएम से होता है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के दुरुपयोग से जीत दर्ज कराई है, और यही मेरा लास्ट कमेंट है। नीरज शर्मा जी, आपने ये पूरी कन्वर्सेशन सुनी, बातें सुनी, किसको श्रेय जाता है, किस तरह से अपनी जीत को देखते, एक फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी। नीरज शर्मा हमारे साथ, पंकज रस्तोगी जी जुड़े। पंकज रस्तोगी, जिस तरह से तमाम तरह की बातें सामने आ रही है ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के, तमाम तरह की योजनाओं को लेकर के, आपको क्या लगता है कि हर बार विपक्ष सिर्फ ईवीएम पे ही अपने हार की जिम्मेदारी डालना चाहती है, ये क्या अपना होमवर्क करके नहीं आते हैं, बाद में एग्जामिनर पर ब्लेम डाल देते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, एग्जामिनर पर ब्लेम डाल देते थे, कड़वा कड़वा धू मीठा मीठा गप वाली कहावत चरितार्थ करते हैं, और इस तरह का ईवीएम पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम के ऊपर पहले भी चुनाव आयोग ने भी एक बार ईवीएम की जांच के लिए कह रखा था कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए और उसकी जांच कर ले कि क्या इसको हैक किया जा सकता है, क्या किसी तरह से इसको कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कोई भी नहीं आया और किसी ने भी इस तरह की चीज़ें नहीं की। देश के तमाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इंजीनियर और सारे लोग मौजूद होने के बावजूद किसी ने भी उस पर टिप्पणी नहीं की और कोई उस पर वो नहीं कर सका। तो इस बात को बार बार मुद्दा बनाना इसका कोई औचित्य नहीं है। जहाँ जीत जाते हैं योगी आदित्यनाथ के काम, योगी आदित्यनाथ के कार्य को देखते हुए, उनके अपराधियों पर नकेल को देखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण को देखते हुए जनमानस ने वोट दिया है, और उसी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के नीतियों के कारण ऐसा हुआ। ये सीधी सी बात समझ लीजिए, युवाओं को रोजगार मिला नहीं, महिलाओं को सुरक्षा मिली नहीं, बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा, स्विच अकाउंट में जो काला धन है उसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा, पर कहीं ना कहीं आपने फिर जनता को छलने का काम किया। आप आइए मैदान में, आप कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती, बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए आप, तो करोड़ों खरबों रुपए देश के बर्बाद किए जाए ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव करा के, इसमें कितना खर्चा आएगा, कहां से आएगा देश में, ये बताइए। आप सारी चीजें आपने बता दिया, आप इनकम का देखिए, आप विपक्ष के नेता है तो इनकम के भी संसाधन बताइए ना सरकार को कि इनकम कैसे बढ़ेगी। आप बेरोजगारी देते नहीं, बेरोजगारी कम करते नहीं, महंगाई कम करते नहीं, देखिए निवेश आपके 10 लाख लोगों को, 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को कई लाख करोड़ का मुद्रा लोन बांटा गया विदाउट एनी कोलेटरल प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको दिया, कोई पार्शियलिटी नहीं की, तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं रोजगार नहीं मिला, नहीं सब मिला, 8% ये सब चीजें खाली देखिए कहने से काम नहीं चलेगा और कोई जरूरी नहीं है। आदमी आत्मनिर्भर बने और खुद 10 लोगों को नौकरी दे कि कोई जरूरी है कि नौकरी करे। नीरज शर्मा जी, मैं आपसे फिर डिबेट करना चाहूंगा, आप पेपर वर्क पे आ जाइए कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत वर्ष में कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने युवाओं को नौकरी मिली, कितनी आपने फैक्ट्री लगाई, कितने प्लांट आपने सोलर प्लांट लगाए, आप जमीन पर नहीं, आप मौखिक बात नहीं करेंगे, आप पेपरली वर्क पर आ जाइए, हमसे बात करिए। मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सा सिपाही होने के नाते मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, जिस मंच पे, जिस चैनल पर, जिस जगह भी आप बुलाएंगे, मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही तैयार हूँ जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आपके सामने। नीरज शर्मा जी, क्या जवाब देंगे आप इस पर, विपक्ष के इस इल्जाम पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप आरोप पर क्या कहेंगे? मुझे समझा, इनकी आवाज में सुन नहीं पाया था, मेरा फोन कट गया था। नीरज शर्मा जी, विपक्ष का लगातार ये आरोप है कि ईवीएम जो जनता है, जो जनादेश है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी ने ये जीत हासिल की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ना, मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि ना भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के हाथ में पत्थर थमा दिया है, क्या जवाब देंगे आप इस पर? देखो, इनका रोना जायज है, कोई बहाना तो चाहिए बोलने के लिए, अब कोई बहाना नहीं है तो ईवीएम का बहाना ये रो रहे हैं, और ये पहले भी रोते थे। 132 सीट 123 सीट जो इनकी आई है वो कहाँ से आ गई, एक बात।
दूसरी बात चुनाव जीत जाते तो ईवीएम सही है, क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। जनता इनको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनता इनको वोट नहीं दे सकती। हमने रोजगार भी दिया है, हमने विकास भी दिया है, और रोजगार आपने दिया है, रोजगार आपने दिया, पकौड़ा रोजगार दिया है युवाओं को, पकौड़ा तलने पर और ठेला चलाने पर, और युवाओं को पढ़े लिखे युवाओं को बैटरी रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस का युवा 5,000-4,000 की नौकरी करे, उसको बेरोजगार रखना चाहते हैं, क्योंकि तब जब वो बेरोजगार रहेगा तो इनके लिए गुंडा बनेगा, इनका काम करेगा। आज आज की जीत पर एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी, आज की जो जीत रामपुर में हुई है उस पर एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। रामपुर में जो जीत हुई है हमारी, वो हमारी जनता की जीत है, हमारी सरकार की नीति की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, और हमारे विकास की जीत है। आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव तो होता, मैं यही कहना चाहूंगी जनता से कि चुनाव तो आता जाता रहेगा, सभी में भाईचारे और एकता होना चाहिए। खास करके एक शेर आपने सुना होगा कि गालिब दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, तो साथ ही साथ विपक्ष का भी ये कहना है। फिलहाल आज की चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।